आज हम डिस्कस करेंगे बैक क्वेश्चन नंबर 1। ये वो केस है जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। अ फर्म ऑफ कोल मर्चेंट्स परचेज्ड वैगन्स ऑन हायर परचेज सिस्टम। पेमेंट इज टू बी मेड इन अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। ₹6,000 वॉज पेबल ऑन डिलीवरी 1 अप्रैल 2012। ठीक है, 4 ईयर्स तक पेमेंट करनी है, मतलब 4 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट होगी। जिस दिन एग्रीमेंट हो रहा है, दैट इज़ 1 अप्रैल 2012, उस दिन हायर परचेजर जो है वो 6,000 साइनिंग अमाउंट पे कर रहा है, दैट इज़ डाउन पेमेंट। एंड द बैलेंस बाय द एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 6,000 ईच। अब कितनी इंस्टॉलमेंट्स है, 4 ईयर्स में करेगा, मीन्स 4 इंस्टॉलमेंट्स। तो 6,000 की 4 इंस्टॉलमेंट्स वो पे करेगा। 6,000 उसने इमीडिएटली 1 अप्रैल को पे कर दिया है। नेक्स्ट दिया है, हायर वेंडर चार्ज 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ईयरली बैलेंसेस। जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकालेंगे उस पर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट वेंडर चार्ज करेगा। द कैश प्राइस ऑफ द वैगन्स ऑन डिलीवरी वॉज 27,300। टोटल कैश प्राइस हमें गिवन है क्वेश्चन में 27,300। रेट ऑफ डेप्रिशिएशन 10% दिया है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं इसको। करना क्या है हमें, हायर परचेजर एंड हायर वेंडर दोनों की बुक्स में जर्नल एंट्रीज करनी है एंड लेजर अकाउंट्स भी बनाने हैं। क्लियर? तो ऐसा क्वेश्चन करने में सबसे पहले हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है हर ईयर का। इसके लिए हम एक एनालिटिकल टेबल ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। ऐसे आप एक एनालिटिकल टेबल ड्रॉ करोगे। फर्स्ट कॉलम होगा कैश प्राइस, देन इंटरेस्ट कैलकुलेशन, एंड द थर्ड वन इज इंस्टॉलमेंट। टोटल कैश प्राइस सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख लोगे 27,300। ठीक है, इमीडिएटली ऑन 1 अप्रैल 6,000 की तो पेमेंट हो गई, तो ये जो इमीडिएटली अमाउंट पे कर दिया इस पर तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये सेम डे को ही पे कर दिया गया है। अब इंटरेस्ट लगता है एट द एंड ऑफ द ईयर, जो आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट करोगे उस समय कितना आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस था उस पर लगता है। तो टोटल कैश प्राइस इतना था, 6,000 आपने इमीडिएटली पे कर दिया, तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितना बचता है, 21,300। इस पर 5% कैलकुलेट किया तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया 1,065। टोटल इंस्टॉलमेंट जो है वो हर साल 6,000 है, तो 6,000 में से फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो ये क्या आ गया, कैश प्राइस ऑफ द इंस्टॉलमेंट। मीन्स टोटल 6,000 में कैश प्राइस 4,935 है और 1,065 क्या है, इंटरेस्ट है। इसी तरीके से यहाँ जो कैश प्राइस आएगा हर ईयर, वो आगे जाके जो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस होगा उसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग बचा था, इसमें से आप यहाँ से कैश प्राइस लाए, ये माइनस हो गया। अब नेक्स्ट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस ये बचा 16,365। इसके ऊपर फिर आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 5%, तो सेकेंड ईयर में ये इंटरेस्ट आ गया आपका। सेकेंड ईयर में फिर आप क्या करोगे, इंस्टॉलमेंट, टोटल इंस्टॉलमेंट में से इस इंटरेस्ट को माइनस कर दोगे, तो ये सेकेंड ईयर का कैश प्राइस आ गया। अब ये कैश प्राइस फिर इधर जाके माइनस हो गया। अब थर्ड ईयर के लिए ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग बचा 11,183। इस पर 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, 559 आया। टोटल इंस्टॉलमेंट जो कि थर्ड ईयर की भी 6,000 है, उसमें से ये माइनस कर दिया, तो कैश प्राइस थर्ड ईयर के लिए बना आपका 5,441। फिर ये क्या होता है, आगे जाके यहाँ माइनस होता है ना, कैश प्राइस वाले कॉलम में से माइनस कर दिया। अब लास्ट ईयर में आपको कुछ डिफरेंट करना है, जो ध्यान रखना है, लास्ट ईयर में जो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस आया वो कितना आया, 5,742। ये हमेशा लास्ट ईयर वाला जो होगा ये इंस्टॉलमेंट से, इंस्टॉलमेंट कितनी है 6,000, तो इंस्टॉलमेंट से कम होगा ये अमाउंट। ठीक है, तो आपको लास्ट ईयर में क्या करना है, इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में से इसको माइनस कर देना है। ये देखो इंस्टॉलमेंट और ये अमाउंट हमने यहाँ लिखा, इसको माइनस कर दिया, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी इंटरेस्ट फॉर द लास्ट ईयर। क्लियर? अब फिर वही लास्ट कॉलम में तो वही करना है आपको, टोटल इंस्टॉलमेंट में से जो इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट किया माइनस कर दिया, तो ये आ गया आपका कैश प्राइस ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, लास्ट ईयर में ये दोनों आपका मैच कर जाएगा, 5,742, 5,742। तो ये 4 ईयर्स के आपने अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब एक चीज़ और ध्यान से देखो, कैश प्राइस क्वेश्चन में कितना दिया है, 27,300, ये कैश प्राइस दे रखा है। क्लियर? लेकिन परचेजर को टोटल पे कितना करना पड़ रहा है, वो इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट 6,000 की पे करता है, टोटल उसको 4 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, तो उसने कितना पे किया, 24,000।
प्लस 6,000 उसने साइनिंग अमाउंट पे किया था, डाउन पेमेंट पे की थी फर्स्ट, जिस दिन अग्रीमेंट हुआ था उसी दिन, तो 24,000 प्लस 6,000 टोटल उसने पे कितना किया है एक्चुअल 30,000, जबकि कैश प्राइस कितना था 27,300। और थियरी वाला जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने आपको दिया था उसमें मैंने आपको बताया है कि हायर परचेज प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कैश प्राइस, क्योंकि कैश प्राइस में क्या इंक्लूड हो जाता है, ये इंटरेस्ट जो हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो इस 27,300 में ये चारों सालों का इंटरेस्ट अगर ऐड करके आप देखोगे तो आपके पास टोटल आएगा 30,000, जो कि हायर परचेज प्राइस है, ठीक है। हायर परचेज प्राइस हमेशा कैश प्राइस से ज़्यादा होता है, इसी से हमें पता चलता है कि ये जो 6,000 की इंस्टॉलमेंट है इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, इसीलिए हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से ज़्यादा है। अब हम हायर परचेजर की बुक्स में जर्नल एंट्रीज करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी ये पुरानी बुक्स के अकॉर्डिंग डेट्स दी हैं तो इसको ठीक करते जाएंगे साथ साथ। हायर परचेजर के केस में हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, तो हम पहले फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। दैट इज एक्रूअल मेथड, एसेट एक्रूअल मेथड के अकॉर्डिंग पहले करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री जो होती है हायर परचेजर की बुक्स में वो किस दिन होती है, एग्रीमेंट वाले दिन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो एग्रीमेंट हो रहा है न्यू बुक के अकॉर्डिंग वो कब हो रहा है, 2012 अप्रैल 1 को ये एंट्री आएगी, ठीक है। 2012 अप्रैल 1 को आपने एंट्री की, ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट आपने एंट्री की, किस चीज़ की, एक्रूअल मेथड में पहली एंट्री होती है साइनिंग पेमेंट जो आप करते हो, ठीक है। एग्रीमेंट साइन करते टाइम जो डाउन पेमेंट करते हो, ये डाउन पेमेंट की एंट्री है। तो एंट्रीज मैंने जहाँ आपको कराई है जिस वीडियो में, फर्स्ट एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश और टू बैंक लिख सकते हो, क्लियर। तो आपने डाउन पेमेंट कितनी की थी, 6,000, परचेजर ने 6,000 डाउन पेमेंट की थी, क्लियर। तो एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश विद रुपीज 6,000। अब जो नेक्स्ट एंट्री आती है इंस्टॉलमेंट ड्यू की एंट्री इस मेथड में, वो एट द एंड ऑफ द ईयर आती है। इंस्टॉलमेंट ड्यू कब की जाती है, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये ईयर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2012, इट मीन्स ये ईयर आपका एंड कब होगा, यहाँ पे आपको डेट्स ठीक करनी रहेंगी। ये आपका ईयर एंड होगा 2012 मार्च 31st, क्योंकि अप्रैल टू मार्च चल रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर है, कैलेंडर ईयर नहीं है। इंस्टॉलमेंट ड्यू की एंट्री, आपको एंट्रीज लर्न होनी चाहिए जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाई हैं। इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर। यहाँ एसेट आपको वैगन दिए इसलिए आपने वैगन वर्ड यूज़ किया, वैगन इंटरेस्ट टू हायर वेंडर, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर की एट द एंड इंस्टॉलमेंट आप ड्यू कर रहे हो। अब ये अमाउंट कहाँ से आया, तो जो मैंने आपको एनालिटिकल टेबल अभी बनाना सिखाया है उस एनालिटिकल टेबल में देखो, फर्स्ट ईयर में ये मैंने एनालिटिकल टेबल आपको बनाना सिखाया था ना, तो ये फर्स्ट ईयर में टोटल इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस किया तो ये क्या आ गया, कैश प्राइस। तो ये एसेट के सामने लिखोगे, ये इंटरेस्ट के सामने, ठीक है। और टोटल पे कितना करना है, 6,000। तो अमाउंट आपको इस एनालिटिकल टेबल में से देखना होगा, क्लियर। तो आप देखो अपने एनालिटिकल टेबल में 4,935 फर्स्ट ईयर के लिए हमने कैश प्राइस निकाला, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था 1,065, तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई, 6,000। तो सेकेंड एंट्री आ गई आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू की। देन नेक्स्ट एंट्री हो जाती है ये जो इंस्टॉलमेंट आपने ड्यू की है इसकी पेमेंट की, यहाँ वेंडर क्रेडिट किया था, अब इसको पेमेंट करोगे तो वेंडर डेबिट टू कैश। पेमेंट कितने की करनी है, टोटल इंस्टॉलमेंट की, मीन्स 6,000 की। नाउ फोर्थ एंट्री होती है डेप्रिशिएशन की, तो डेप्रिशिएशन की एंट्री होती है डेप्रिशिएशन टू एसेट, क्लियर। कितना बोला है डेप्रिशिएशन चार्ज करने के लिए, 10% ऑन द कैश प्राइस। डेप्रिशिएशन हमेशा कैश प्राइस पे चार्ज होता है, 27,300 कैश प्राइस क्वेश्चन में गिवन है, उसके ऊपर 10% करोगे तो आ जाएगा 2,730। अब एट द एंड ऑफ द ईयर क्या करते हो, जो नॉमिनल अकाउंट्स आपने खोले हुए होते हैं उनको P&L अकाउंट में डाल के क्लोज कर देते हो। तो यहाँ पे दो नॉमिनल अकाउंट्स हैं, एक इंटरेस्ट का, दूसरा डेप्रिशिएशन का। इंटरेस्ट एंड डेप्रिशिएशन दोनों को आपने डेबिट किया था, क्लोज करने के लिए आपको, आपके लिए आप क्या करोगे, इनको क्रेडिट कर दोगे। कहाँ जाके ट्रांसफ़र करना होगा आपको, P&L अकाउंट में, ठीक है। ये इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ से देख लो कितना चार्ज किया था, 1,065 यहाँ लिख दिया आपने। ऐसे डेप्रिशिएशन देख लो कितना कैलकुलेट किया था, 2,730, यहाँ पे P&L अकाउंट में दोनों डाल के क्लोज कर दिए, दोनों का टोटल लिख दिया, क्लियर। अब नेक्स्ट ईयर ये सारी डेट्स बस आपको ठीक करनी है, ये सारी एंट्रीज कब हो रही हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर, और फर्स्ट ईयर आपका कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 2013। ये सब एंट्रीज आपकी आ रही हैं मार्च 31st को, ठीक है। ये ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग डेट्स लिखी हुई थी यहाँ पे।
अब सेकेंड ईयर में देखो, सेकेंड ईयर में फिर क्या होगा, वो सारी एंट्रीज जो ऊपर आपने ये फर्स्ट ईयर में की हैं सब रिपीट होंगी एक्सेप्ट दिस फर्स्ट एंट्री। ये जो डाउन पेमेंट वाली है ये सिर्फ फर्स्ट ईयर में होती है, बाकी ये सारी एंट्रीज हर ईयर में रिपीट होंगी। तो नेक्स्ट ईयर अब आपका कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, 31 दिसंबर 2014, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेकेंड एंट्री का मतलब इंस्टॉलमेंट ड्यू की एंट्री से आपको स्टार्ट करना है। तो इंस्टॉलमेंट ड्यू आप कब करते हो, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जो सेकेंड ईयर आपका है वो कब एंड होगा, 2014 मार्च 31 को, इस डेट को ही सब एंट्रीज होंगी। ये सारी एंट्रीज आपकी कब होंगी, 2014 को होंगी, ठीक है। ये डेट काट देना और ये 2014 वाली डेट आपको मेंशन करनी होगी। तो ये देखो ड्यू की एंट्री सेम वही जो ऊपर की थी, फिर पेमेंट की वही एंट्री जैसे ऊपर मैंने आपको समझाया। डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपको भी बताती हूँ, एंट्री सेम है, और ये ट्रांसफ़र करने की एंट्री। अमाउंट कैसे आपको डालना है, फिर आप अपने एनालिटिकल टेबल में जाओगे, सेकेंड ईयर के लिए जो हमने कैश प्राइस निकाला और जो इंटरेस्ट और ये टोटल इंस्टॉलमेंट, देन सेकेंड यही इंस्टॉलमेंट पेमेंट जो कि ऊपर एंट्री की। अब देखो डेप्रिसिएशन का ध्यान देना है, डेप्रिसिएशन इन्होंने बोला है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे कैलकुलेट करना है। आप लोगों ने 12th में किया होगा डेप्रिसिएशन चैप्टर, तो उसमें क्या है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या करते हैं, जैसे ये 27,300 कैश प्राइस था, फर्स्ट ईयर में आपने 10% डाला तो 2730 आपकी डेप्रिसिएशन थी। अब नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, टोटल जो कैश प्राइस है, ठीक है, उसमें से जो पहले डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर चुके हो फर्स्ट ईयर में वो माइनस कर दोगे, तो सेकंड ईयर के लिए आपके के लिए क्या आ जाती है, रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है। तो सेकंड ईयर के लिए आपके पास रिटर्न डाउन वैल्यू क्या आ गई, 24,570। इस पर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे 10%, तो सेकंड ईयर के लिए ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी। हर साल पीछे वाली डेप्रिसिएशन कैश प्राइस में से माइनस होती रहेगी, ठीक है, उस पर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। देन ये तो इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन को एट द एंड ऑफ द ईयर आपने पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ इंटरेस्ट कितना था, 818, डेप्रिसिएशन कितनी कैलकुलेट की, 2457, तो आपने वो पी एंड एल अकाउंट में डाल दी। सेम ऐसे ही तीनों एंट्रीज अब आपको थर्ड ईयर में भी करनी है, बस यहाँ आपको डेट ठीक करनी है कि ईयर कौन सा हो गया। अब यहाँ पे 2015 मार्च 31 को एट द एंड ऑफ द ईयर सभी एंट्रीज होंगी, ठीक है। वही चारों एंट्रीज देखो सेम रिपीट हो रही हैं। अमाउंट ये इंटरेस्ट का और कैश प्राइस का दोनों आपको एनालिटिकल टेबल में से देखना है जैसे ऊपर आपने किया है। पेमेंट की एंट्री सेम वैसे। अब डेप्रिसिएशन ध्यान रखना है कि अब सेकेंड ईयर की रिटर्न डाउन वैल्यू आपके पास आई थी 24,570, अब यहाँ पे जब पेमेंट करोगे तो क्या होगा, सेकेंड ईयर की जो रिटर्न डाउन वैल्यू थी उसमें से उस ईयर का डेप्रिसिएशन अब माइनस कर दो, 2457, ठीक है। तो थर्ड ईयर के लिए आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू की क्या आ जाएगी, 2211 3, इसके ऊपर 10%, ठीक है। पीछे वाली जितना रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस कर करके आता जाएगा उसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस करते जाओगे, उस पर 10% कैलकुलेट कर लोगे। ये आप लोगों ने पहले किया है इसलिए मैं इसको ब्रीफली समझा रही हूँ। डेप्रिसिएशन की एंट्री आ गई, फिर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन को आपने पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, सेम वैसे ही जैसे फर्स्ट ईयर में किया था। फोर्थ ईयर में भी सेम आपको ऐसी ही एंट्री, चारों एंट्रीज ऐसी ही करनी है, वही चारों एंट्रीज आपकी रिपीट हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ ईयर का ध्यान रखना है कि अब ये कौन सा ईयर हो जाएगा, 2016, ये हो जाएगा आपका 2016, ये ब्लर क्यों हो रहा है, 2016 मार्च 31 को ये सारी एंट्रीज आएंगी एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। ऐसे अमाउंट आपको एनालिटिकल टेबल में से देखना है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया कि जो भी पिछली रिटर्न डाउन वैल्यू होती है उसमें से उसका डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर 10% आप कैलकुलेट करोगे। अब यहाँ पे आपको परचेजर की बुक्स में कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, लेजर अकाउंट बनाने, ठीक है। तो आप एक तो एसेट का अकाउंट बनाओगे, तो यहाँ पे एसेट क्या है, वैगन। दूसरा आप इंटरेस्ट का अकाउंट बनाओगे और तीसरा हायर वेंडर का, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें कि कौन कौन से लेजर अकाउंट्स बनाने हैं आपको, एक तो वेगन का बनाना है, इंटरेस्ट का बनाना है और हायर वेंडर का अकाउंट बनाना है। तो जर्नल से आपको लेजर पोस्टिंग करनी है। एंट्रीज कैसे पोस्ट करते हैं ये आप लोग को आप पहले से ही आता है, तो यहाँ पे आप लोग एंट्रीज पोस्ट करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ एसेट अकाउंट में कैसे किया गया है। फर्स्ट एंट्री जो आपने यहाँ जर्नल में जो मैंने आपको सिखाई कि फर्स्ट ईयर में एंट्री क्या हुई, वैगन टू कैश, वैगन अकाउंट डेबिटेड,
ठीक है। वैगन अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड पे आप क्या लिख दोगे? टू कैश। बस डेट्स का ध्यान रखना है, ये पुरानी बुक्स की डेट्स हैं तो आपको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ डेट्स चेंज कर लेनी है, अप्रैल टू मार्च वाली। तो फर्स्ट एंट्री टू कैश लिख दिया आपने 6000। अब उसके बाद फिर देखो नेक्स्ट जर्नल एंट्री में वैगन टू हायर वेंडर किया, वैगन का अमाउंट कितना है 4935, वैगन अकाउंट फिर डेबिट हुआ। इट मीन्स यहाँ पे फिर आप क्या लिख दोगे? टू हायर वेंडर। ठीक है, ये जर्नल ये लेजर पोस्टिंग है जो आप लोगों ने ट्वेल्थ में की है, तो वैसे ही तीनों अकाउंट्स में आपको क्या करना है? पोस्टिंग करना है। हर साल पोस्टिंग करने के बाद बैलेंस कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर में वो बैलेंस ब्रॉड डाउन होता रहेगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से लेजर पोस्टिंग करके आपको देखनी है इन अकाउंट्स की, ये आपको कुछ एक बार ट्राई करना है। अब देखो ये हायर पर वेंडर का अकाउंट है जो पीछे कंप्लीट नहीं था, उसी को कंटिन्यू किया है। ठीक है, अब इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, हायर वेंडर की बुक्स में कैसे एंट्रीज करनी है? हायर वेंडर की बुक्स की भी जर्नल एंट्रीज मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाई हैं, वहाँ से आपको एंट्रीज देखनी है और लर्न करनी है। तो फर्स्ट एंट्री होती है एट द डेट ऑफ एग्रीमेंट, यहाँ पे इस क्वेश्चन में बस डेट बेटा आपको ठीक करनी रहेगी। ये 2012 को हुआ था और अप्रैल 1 को हुआ है एग्रीमेंट। फर्स्ट एंट्री होती है हायर परचेजर टू हायर सेल्स, तो ये एंट्री ध्यान रखना है कि किस अमाउंट से पड़ेगी, टोटल अमाउंट से पड़ेगी, टोटल कैश प्राइस से, ये ध्यान रखना है। जो क्रेडिट सेल्स की एंट्री होती है ना, ये वही सेम एंट्री है, हायर परचेजर टू हायर सेल्स, टोटल कैश प्राइस से एंट्री होती है। देन उसी दिन जिस दिन एग्रीमेंट हुआ है उसी दिन ये सेकेंड एंट्री आएगी। ठीक है, डाउन पेमेंट से रिलेटेड ये एंट्री होती है सेकेंड एंट्री। ये एंट्री क्या है? कैश टू हायर परचेजर, तो कितना डाउन पेमेंट किया था? 6000, हायर परचेजर ने 6000 इमीडिएटली 1 अप्रैल को। तो ये एंट्री भी कब आएगी? अप्रैल 1 को ही आएगी ये भी, ठीक है, 2012 को। अब एट दी बाकी सारी एंट्रीज एट दी एंड ऑफ द ईयर होती है, जैसे ये वाली एंट्रीज कब होंगी? अब ईयर एंड कब होगा? 2013 मार्च 31st को। ठीक है, इंस्टॉलमेंट ड्यू या इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या होगी? हायर, एक सेकेंड बस, हायर परचेजर अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को क्रेडिट किया क्योंकि वेंडर के लिए इंटरेस्ट इनकम है। ठीक है, किससे लेगा? परचेजर से, तो परचेजर इसका डेटर हो गया। इंटरेस्ट आपने फर्स्ट ईयर का एनालिटिकल टेबल में से कैलकुलेट किया है। एंट्रीज कैसे क्या हैं ये प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको समझाई हैं। फिर ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री है, कैश टू हायर परचेजर, पूरा 6000 इंस्टॉलमेंट। ये सिर्फ इंटरेस्ट से एंट्री इसलिए की है क्योंकि इंटरेस्ट ड्यू किया है। ठीक है, यहाँ पे हायर परचेजर पूरे अमाउंट से ऑलरेडी डेबिट हो चुका है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री है, इसमें कैश प्राइस इंक्लूड नहीं है। देन इस एंट्री में क्या है? इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री है ये। ठीक है, तो यहाँ वेंडर को कैश रिसीव हुआ, परचेजर ने पेमेंट की लेकिन वेंडर को रिसीव होगा, तो वेंडर कैश को डेबिट करेगा टू हायर परचेजर, क्योंकि उसने हायर परचेजर को डेटर दिखाया ना ऊपर। जब जब हायर परचेजर पेमेंट करेगा तो उससे क्या करेगा? हायर परचेजर को क्रेडिट करता रहेगा। क्लियर? नाउ इंटरेस्ट जो भी हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट है, एट द एंड ऑफ द ईयर वो क्लोज होते हैं, तो यहाँ भी इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है लेकिन क्योंकि इसको क्रेडिट किया है तो क्लोज करने के लिए डेबिट किया जाएगा टू पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट इंटरेस्ट वाला ही यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। देन एक हायर सेल्स अकाउंट जो है ये भी नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन जो सेल्स होती हैं वो आप ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हो। ठीक है, तो हायर सेल्स अकाउंट को क्लोज करने के लिए कहाँ इसको ट्रांसफर किया? ट्रेडिंग अकाउंट में, और ये अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। क्लियर? अब नेक्स्ट ईयर में फिर ये सारी एंट्रीज़ जो हैं ये रिपीट होंगी, लेकिन ये फर्स्ट टू एंट्रीज़ जो डेट ऑफ एग्रीमेंट वाली होती हैं ये दोनों एंट्रीज सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर में होती हैं। मीन्स 1, 2, 3, 4 ये चार एंट्रीज़ लास्ट वाली यहाँ पे भी रिपीट होंगी। ठीक है, और ये एंट्रीज़ कब होंगी? एट द एंड ऑफ द ईयर। तो नेक्स्ट ईयर आपका एंड कब होगा? 2014 मार्च 31st को। ठीक है, इस दिन ये सारी एंट्रीज़ होंगी। देखो ध्यान, डेट मैंने ठीक कर दी यहाँ पे। एंड सेकंड ईयर में क्या करोगे? हायर परचेजर टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री, इंटरेस्ट आप एनालिटिकल टेबल से देखोगे। इंस्टॉलमेंट इसको रिसीव हुई तो कैश टू हायर परचेजर 6000 की, फिर इंटरेस्ट वाला अमाउंट पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, सेम यही एंट्रीज नेक्स्ट ईयर में फिर एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रांसफर हो जाएंगी, 2015 मार्च 31st को ये तीनों एंट्रीज आ जाएंगी। सेम वही तीनों एंट्रीज, अमाउंट चेंज हो जाएगा जो आप अपने एनालिटिकल टेबल में से देख लोगे। और सेम ऐसे ही फोर्थ ईयर की एंट्रीज होंगी। और फोर्थ ईयर में बस यहाँ आपको डेट ठीक करनी है 2016 मार्च 31st, क्योंकि इंस्टॉलमेंट ड्यू या इंटरेस्ट ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर होता है, इसको रिसीव जो वेंडर है एट द एंड ऑफ द ईयर करता है,
और ट्रांसफ़र भी पी एंड एल अकाउंट में एट दी एंड ऑफ द ईयर ही किया जाता है। क्लियर। अब ये जो जर्नल एंट्रीज आपने की हैं वेंडर के अकाउंट में, ये जर्नल एंट्रीज ही आपको कहाँ पोस्ट करनी है, लेजर अकाउंट्स में। ठीक है, तो अब वेंडर अपनी बुक्स में कौन कौन से लेजर अकाउंट्स बनाएगा, हायर परचेजर का अकाउंट बनाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट बनाएगा, हायर सेल्स अकाउंट बनाएगा। ठीक है, ये तीन अकाउंट स्टॉक करेगा हायर वेंडर अपनी बुक्स में। ठीक है, ये सिंपल क्या है, जो आपने जर्नल एंट्रीज मैंने आपको बताई उसकी पोस्टिंग है।